व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, बल्कि स्टार हियर। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, बेसिकली जाने वाले हैं ओवर 5 फीचर्स इन विच माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन इज एक्चुअली क्वाइट गुड इंस्टेड ऑफ जावा एडिशन। बिकॉज आई एम अ बेडरॉक प्लेयर, सो या मैं जावा की ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही गेम्स जो हैं माइनक्राफ्ट हैं, एंड फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा वर्जन अलग है, बट स्टिल बेडरॉक एक्चुअली गॉट सम गुड फीचर्स इंस्टेड ऑफ जावा। एंड जावा के पास लाइक ऑफ हैंड वगैरह के फीचर्स हैं, मेरे को पता है सब कुछ, ठीक है ना। एंड प्लीज़ हाँ, आप भी मेरे को कॉमेंट में बताना कि इस पाँचों के अलावा अगर आपको कोई एक्सक्लूसिव फीचर पता है तो बेडरॉक में ज़रूर मेरे को कॉमेंट्स में बताना है यार। मैं हर एक कॉमेंट का रिप्लाई देता हूँ, सो आपको भी एक स्वीट स्वीट हार्ट और रिप्लाई मिल जाएगा। सो यार एक बार कमेंट कर दो क्या जाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आगे हूँ मैं फर्स्ट पर्सन में, एंड आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बिकॉज लाइक हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। सो मेक श्योर पूरी देखना भाइयों, पूरी देखना। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं द बेस्ट अमेजिंग फीचर जो कोल्ड्रॉन के साथ हम कर सकते हैं। एंड मैंने इसमें वाटर नहीं भरा, कोई बात नहीं, वाटर ले लेते हैं क्या जा रहा है। ओके, सो द फर्स्ट फीचर इज़ कि यू कैन यूज़ टू डाई डिफरेंट थिंग्स इन कोल्ड्रॉन्स एंड स्टफ। लाइक देखो, इसको डाई करता हूँ मैं, इसको डाई करता हूँ, एंड थोड़ा सा इसमें ऑरेंज मिक्स कर देते हैं। यू कैन डाई दिस एंड आई दिस, सो एंड हाँ हम इसको डाल सकते हैं ऑल स्टफ लाइक दैट, अलग अलग कलर के। एंड ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है, लाइक अगर हम खेल रहे हैं कोई मल्टीप्लेयर मिनी गेम, अगर उसके हमें उसके लिए मल्टीप्लेयर मिनी गेम है, उसमें हमें टीम्स को डिवाइड करना है कि ये ब्लू टीम है, रेड टीम है, उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। एंड बींग एबल टू कलर लाइक दिस जावा पे तो बहुत ही डिफरेंट है, हमें डाई को लेना पड़ता है, डाई को ऑब्टेन तो वैसे भी करना पड़ता है, बट या वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ पे इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड एंड बहुत ही आसान है। एंड तीसरा जो आ जाता है मेन बात कि वी कैन मेक पोशंस, ठीक है ना, वी कैन लिटरली मेक पोशन बेस्ड एरोज यूजिंग दिस। जैसे मैं पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी भरता हूँ एंड एरो पे क्लिक करता हूँ, सो वी गॉट इनविजिबिलिटी पोशन एरोज, एंड यू कैन डू दिस विथ एवरी सिंगल पोशन इन द गेम। एंड आई सेम चीज़ अगर मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ, सो या मैं अनडाई कर सकता हूँ चीज़ों को, वो भी मैं बताना भूल गया। कोल्ड इसको देखो, शल्कर को अनडाई कर दिया, मैंने अपनी लेदर की इसको ट्यूनिक को अनडाई कर दिया। सो दिस आर द फीचर्स दैट कोल्ड्रॉन प्रोवाइड ओनली ऑन बेडरॉक एडिशन। ये पूरा बेडरॉक एक्सक्लूसिव है और कहीं जावा एडिशन में नहीं मिलता है, तो ये इट्स अ बेडरॉक एक्सक्लूसिव फीचर एंड बहुत ही अच्छा फीचर है। मे बी मेरे को लगता है ये बेडरॉक एक्सक्लूसिव ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक। सो ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, वी हैव बेटर FPS एंड अदर टेक्निकल स्टफ। अब बेटर FPS मैं यहीं पर एग्जाम्पल देता हूँ, माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में मेरे PC पे फ्रेम्स आते हैं 60+, सच में 60+ मेरे फ्रेम्स आते हैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में इन माई शिटी लैपटॉप, पूरा कतई आलू लैपटॉप है, पोटैटो PC है, उसमें भी 60 FPS देता है बेडरॉक विद रेंडर डिस्टेंस ऑफ 16 chunks। देख रहे हो 16 chunks के ऊपर का रेंडर डिस्टेंस, वेयर एज अगर मैं 2 का रेंडर डिस्टेंस जावा में रख रहा हूँ तब भी मेरे 10 FPS भी नहीं आते हैं। That's why Bedrock Edition is actually have more people, ठीक है ना, Bedrock Edition को ज़्यादा बंदे खेलते हैं as compared to Java Edition, but yeah, it's Java कुछ अपने exclusive features की वजह से popular है, so yeah, it's okay, but जैसा मैंने कह दिया, better FPS, better performance हमेशा Java Bedrock देता है, बहुत ज़्यादा optimized है Bedrock, बहुत ही कम bug है actually, Bedrock में कम bugs हैं as compared to Java Edition, एज उनकी कोडिंग और जावा स्क्रिप्टिंग की कोडिंग में डिफरेंस होता है, या ये टेक्निकल स्टफ है इसमें मैं नहीं जाना चाहता, बट एट द एंड ऑफ द डे ये तो बहुत पक्की बात है, 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू जावा एडिशन। यार 60 FPS से 60 से भी ऊपर FPS और जावा मेरे 10 FPS भी नहीं आ रहे। 1.16 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट की, एंड ऑल्सो स्टेबल भी रिलीज हो चुका है बेडरॉक का, वो ज़रा कर लेना अपने आप अपडेट वगैरह। सो ऑन टू द थर्ड पॉइंट, वी हैव फार्म्स। अब फार्म्स कैसे, मतलब फार्म्स तो तुम कहोगे आयरन फार्म इज बेटर इन जावा, दिस फार्म इज बेटर इन जावा, दिस, लेट मी शो यू। देखो गोल्ड फार्म माइनक्राफ्ट जावा में आपको गोल्ड फार्म, देखो गोल्ड फार्म इज एक्चुअली वेरी वेरी आजकल के तो बहुत ज़्यादा मेन फार्म हो चुका है,
बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ गोल्ड, एंड गोल्ड तो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, बिकॉज गोल्ड जो है 1.16 के आने के बाद गोल्ड की इज्जत बढ़ गई है. यू कैन यूज़ इन दैट बटरिंग फार्म्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं. हमें गोल्ड वैसे भी चाहिए होता है डालने के लिए ताकि पिघलन से बच पाएँ, नहीं तो हम बीकन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, नहीं फ्लैक्स करने में भी कभी कभार यूज़ करते हैं गोल्ड को. से गोल्ड के काफ़ी यूजेज हैं. एंड गोल्ड फार्म माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में कितना आसान है और जावा में कितना मुश्किल है तुम सबको पता है. जावा में लिटरली रूफ़ के ऊपर जाना पड़ता है बेडरॉक के, एंड माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में हम रूफ़ के ऊपर जा तो सकते हैं बट वहाँ पर बिल्ड नहीं कर सकते. सो ये भी एक चीज़ है. एंड वही मैंने कह दिया केव फार्म एंड आयरन फार्म अब बेडरॉक एडिशन में काफ़ी अच्छे हो चुके हैं. इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ आयरन. जैसे मेरी अगर आप माइनक्राफ्ट गाइड सीरीज देखते हो तो आपको पता होगा कि इट गिव्स अ लॉट ऑफ आयरन. बहुत ज़्यादा आयरन देता है भाई साहब, मतलब कि 3 से 4 स्टैक पर आवर. आई नो बेडरॉक जावा में इससे अच्छा है बट यार कंपेयर में हम कंपेयर कर सकते हैं, इतना तो है. एंड ऑल्सो अदर फार्म्स ले लो, रेड फार्म ले लो. बींग एबल टू मेक अ रेड फार्म हमें दो दो चीज़ें करनी पड़ती हैं. वी हैव टू किल अ पिलेजर देन टेक बैड ओमन देन गो टू द फार्म, ये सब करना पड़ता है. वेर एज माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में नीचे का ट्राइडेंट किलर चलाओ, ऊपर जाके खड़े हो जाओ, कंटिन्यूस रेड चलती रहेगी, कंटिन्यूस बैड ओमन मिलता रहेगा, मस्त लाइफ है. ठीक है, सो ये बात हो गई फार्म्स की. एंड और भी फार्म्स हैं एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ तो बींग एबल टू मेक इंडस्ट्रियल हनी फार्म. इंडस्ट्रियल हनी फार्म बेडरॉक एडिशन में बहुत आसान है बनाना, वेर एज जावा में बहुत ज़्यादा कंट्रैप्शंस हमें करनी पड़ती हैं. देन और भी काफ़ी सारे फार्म्स हैं यार, मैं किन किन का नाम लूँ और कितने. क्रीपर फार्म, मो फार्म्स की मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज मो फार्म्स आर एक्चुअली वेरी गुड इन जावा एज कम्पेयर टू बेडरॉक एडिशन. बट हाँ, अभी जो स्टिल स्टेबल रिलीज हुआ है उसने रीसेट कर दिया मॉब स्पॉनिंग को. अगर मैं ध्यान से बात करूँ तो आराम से बात करता हूँ. पहले जो थी सिमुलेशन डिस्टेंस की वजह से वो लिमिट हो गई थी, बट उन्होंने मेरे ख्याल से जब मैं चेंज लॉग पढ़ रहा था 16.2 का, मैंने देखा है कि उन्होंने उसको रीसेट कर दिया. उन्होंने वैसे ही जैसे पहले था 1.14.60 में वैसा ही कर दिया है. अब देखते हैं भाई वो वैसा हुआ है नहीं, एंड मॉब स्पॉनिंग में अच्छा डिफ आया है नहीं. बाय द वे वैसे मॉब स्पॉनिंग में इतना डिफरेंस नहीं है बट यार वो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. मॉब स्पॉनिंग में बेटर जावा एडिशन इज एक्चुअली गुड, जो जिस चीज़ में अच्छा है मैं बता रहा हूँ. ओके, सो अब आते हैं ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. इफ आई से फोर्थ है. सो देखो ये है लूट टेबल्स ऑफ बैस्टियन एंड अदर स्ट्रक्चर्स. अब लूट टेबल्स अभी बताता हूँ 2 मिनट में. अब स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, वी हैव वन नया 1.16 का बैस्टियन है, रुइंड पोर्टल है, देन हमारे पास जंगल टेम्पल है, डेजर्ट टेम्पल है, और भी हैं, नेदर फोर्ट्रेस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर. सो या ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें हम जाके लूट कर सकते हैं, वहाँ के लूट टेबल्स जो हैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में इज एक्चुअली गुड, इज़ क्वाइट गुड. वहाँ पे हमें चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं. हाँ, इससे गेम थोड़े गेम में चैलेंज कम होता है बट या स्टिल जो चीज़ है वो तो है. लूट टेबल्स माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में इज एक्चुअली गुड एज कम्पेयर टू इन जावा एडिशन. जावा एडिशन में लूट टेबल्स काफ़ी घटिया हैं, सच में बताऊँ इतने हैं हम कंपेयर कर सकते हैं. मैंने जैसे कहा बेडरॉक एडिशन में लूट टेबल्स आर वेरी गुड. तो पहली बात तो मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, है ना, यस मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी बात को रिपीट कर रहा हूँ. लूट टेबल्स पहले बता देता हूँ क्या होता है. लूट टेबल्स होता है जो लूट हमें किसी चेस्ट या फिर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी चेस्ट होता है उसके अंदर मिलती है वो कैसी है. वो लूट टेबल लो लेवल का लूट टेबल है, मीडियम है, देन हाईएस्ट, स्टफ लाइक दैट. एंड बेडरॉक एडिशन में वो हाई ही कहूँगा मैं, बिकॉज यू कैन लिटरली फाइंड अ नेदराइट ओर. अब नेदराइट की ओर तुम्हें पड़ी मिल जाएगी बेडरॉक में कॉमन, मैं सच में वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉमनली मैं कह रहा हूँ, बिकॉज यार 2-3 बैशन लूटोगे आपको मिल जाएगी नेदराइट की कोई भी हो या. वेरा जावा में यही रेशो 10 तक जाती है. सो ये था जो कि मैं कहना चाहता था. लूट टेबल्स है बैशन एंड स्ट्रक्चर्स के काफ़ी अच्छे हैं इन बेडरॉक एडिशन. या ये गेम के थोड़े चैलेंज को कम करते हैं बट स्टिल यार दे आर गुड, तो मेरे को बताना पड़ेगा. ओके, अब पढ़ते हैं फिफ्थ स्पॉट पे जो कि है वर्ल्ड जनरेशन. इसको पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी अगर बेडरॉक और जावा को कंपेयर करा होगा तो किसी ने भी ये टॉपिक को, मैं 100% कह रहा हूँ, छेड़ा नहीं होगा. वो इसलिए क्योंकि उनको नहीं पता. देखो वर्ल्ड जनरेटर्स जो होते हैं, मैं ज़्यादा स्क्रिप्टिंग के बारे में नहीं जानता, मेरे को बेसिक नॉलेज है एज बस. मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहता, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट इतना मैं कह सकता हूँ कि आपने जो है थोड़ा सा इलीगल, जिसे हम कहते हैं ना इलीगल माइनक्राफ्ट, या फिर हम कहें कि जो चीज़ें हमें नॉर्मली नहीं दिखती हैं, फिर ग्लीचेज़ कह लो गेम में, जो किसी वर्ल्ड में होते हैं ग्लीचेज़,
वो आपने देखा होगा जावा में आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बेडरॉक में मिलते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलते, बट जावा में वो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे, लाइक सैंड के ऊपर ग्रास उगी हुई है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कोई माउंटेन जो है वो हवा में फ्लोट कर रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जो हवा में फ्लोट कर रहा है। ये हो जाते हैं कुछ बेस्ड जो ये जो चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी ग्लिचेस होती हैं जो कि आती हैं वर्ल्ड जनरेशन के टाइम पे। और कभी कभार अगर आपने ये देखा हो कि अगर आप पहली बार एंड डायमेंशन को कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो इन जावा, समटाइम्स एंड सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो एंडर ड्रैगन वाले वहाँ की एंड नहीं, जब एंड सिटी में आप जाते हो उस एंड सिटी को जनरेट करते हो, तो कभी कभी आपने देखा हो कि आपकी इलाइट्रा वाला जो वॉल होता है वो टूटा हुआ होता है, जस्ट कोज आप जनरेशन बहुत आप जल्दी बहुत जल्दी वहाँ चले जाते हो, तो जनरेशन जो है बहुत फास्ट होने की वजह से चीज़ों को ब्रेक कर देती है, वेयर एज बेडरॉक में आज तक नहीं हुआ है, सच में आज तक नहीं हुआ है। वहाँ आप जितना मर्जी दूर चले जाओ, जंक्स जो है बिल्कुल प्रॉपर लोड होते हैं, जनरेशन जो है बिल्कुल प्रॉपर होती है, कोई स्ट्रक्चर कभी कभार ख़राब मिल जाता है, पर कभी कभार मतलब और मैक्सिमम टाइम आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मिलेंगे, एंड जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर मैं कहूँ तो, बिकॉज ये अब एंड वो भी इसलिए क्योंकि जनरेटर्स दोनों के अलग हैं। यस, वर्ल्ड जनरेशन जावा कुछ और यूज़ करता है एंड बेडरॉक कोई और वर्ल्ड जनरेटर यूज़ करता है, जनरेशन टाइप यूज़ करता है अगर मैं कहूँ तो। सो या एंड ऑल्सो ये जो चीज़ें होती हैं लाइक चीज़ें टूट जाती हैं स्टफ लाइक दैट, ये गेम ब्रेकिंग होती हैं। सो या इसको हम कह सकते हैं, सो वर्ल्ड जनरेशन की बात आ गई, बेडरॉक एडिशन में बहुत अच्छी एज़ कम्पेयर टू जावा। अब थोड़े से हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सो देखो, अब एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है, वो है कि हम ऑफ हैंड में, जो हमारा ऑफ हैंड है इसमें टॉर्चेस वगैरह, फायरवर्क्स वगैरह या अलग चीज़ें जो बेडरॉक एडिशन, मतलब काफ़ी सारे टूल्स वगैरह जो भी चीज़ें हम ऑफ हैंड में बेडरॉक एडिशन में नहीं पकड़ सकते। अब इसका रीज़न तो मेरे को नहीं पता सच में, वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, मे बी वो इसको जावा एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, जैसे कोल्ड्रोन वाला फीचर है ये बेडरॉक में एक्सक्लूसिव है, वही ऑफ हैंड वाला फीचर वो जावा में एक्सक्लूसिव रखना चाहते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ वो कर सकते हैं। अब आप सोचो कि पॉकेट एडिशन में वो कैसे करेंगे, मतलब पॉकेट एडिशन में वो कर देंगे पर ऑफ हैंड में हम चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे, या हमें एक एक्स्ट्रा बटन दे दो, या यहाँ पे एक साइड में एक्स्ट्रा बटन दे दो, पबजी में भी तो 10-10, 20-20 बटन हम उंगलियों से दबा लेते हैं, तो फिर भी माइनक्राफ्ट है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दे सकते हैं वो ऑफ हैंड के लिए, बट या वो नहीं देते, या इट्स अ नेगेटिव पॉइंट एंड ऑफ हैंड में चीज़ें यूज़ करना मतलब या गेम को बहुत हद तक फास्ट बना देता है। एंड ऑल्सो बाकी अदर चीज़ें आती हैं, मॉब स्पॉनिंग, मॉब स्पॉनिंग जैसा मैंने कहा था, मैं फार्म्स के टाइम पे मॉब स्पॉनिंग को कंपेयर नहीं कर रहा था, बिकॉज मॉब स्पॉनिंग इज़ एक्चुअली प्रीमियम, कतई प्रीमियम जिसे मैं कहूँ ना, बिल्कुल भी ग्लिचेस कुछ नहीं है मॉब स्पॉनिंग में, कोई बग नहीं है, मतलब हैं पर इतने नहीं हैं, वो अकाउंटेबल बग्स नहीं हैं, वो बहुत ही लाइक ऐसे हैं नेगलेक्टेड टाइप ऑफ बग्स हैं। मॉब स्पॉनिंग सच में वेरी वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी है मॉब स्पॉनिंग जावा की, चुम्मी ले लो मेरे से कतई, सच में बहुत अच्छी उन्होंने मॉब स्पॉनिंग को करा है इन जावा एडिशन, वेयर एज नहीं बेडरॉक एडिशन में यह थोड़ा सा हिला हुआ है मामला, एंड ऊपर से अभी चेंजेस भी हुए थे एंड उनको रीसेट भी कर दिया गया स्टफ लाइक दैट। ये था, मॉब स्पॉनिंग सच में बहुत बुरी है इन बेडरॉक एडिशन, वेयर एज जावा में इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी प्रीमियम। एंड ऑल्सो एक नेगेटिव फीचर जो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि हम बेडरॉक के ऊपर, नेदर में बेडरॉक के ऊपर नहीं बना सकते, बिकॉज बिल्ड लिमिट जो है नेदर में इन बेडरॉक एडिशन 128 ब्लॉक्स है, वेयर एज जावा में 256 है, जो ओवरवर्ल्ड और नेदर की सेम है, मतलब ओवरवर्ल्ड और नेदर की जावा में बिल्ड लिमिट सेम है जो कि है 256 ब्लॉक्स, वेयर एज इन बेडरॉक एडिशन 256 ब्लॉक्स है ओवरवर्ल्ड की एंड नेदर की है 128 ब्लॉक्स, जो कि उसके ऊपर जाके हम कुछ बिल्ड नहीं कर सकते नेदर में। सो एक बहुत ही लाइक बमर है, बट है हम वहाँ पे, बिकॉज अगर हम वहाँ पे बिल्ड कर पाते ना तो वी कैन सेटअप नेदर बेस्ड फार्म्स, जैसे बिगलिन का बाटर फार्म हो गया एंड स्टफ लाइक दैट, हम वहाँ पे सेटअप कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के, एंड या सो इसलिए बस ये भी बात है कि हम बिल्ड नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो अदर जो चीज़ें आ जाती हैं, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, लाइक फार्म्स जो हैं जावा में, इट विल गिव एक्चुअली मोर आइटम्स, लाइक बेडरॉक में एक आयरन गोलम मरता है लावा से, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आयरन दे देगा, उसकी आयरन नहीं देगा, और 3 आयरन मिलना भी बहुत ही रेयर चांस है, आई मीन 5 आयरन, वेयर एज जावा में 6-7 भी दे देते हैं विदाउट यूजिंग लूटिंग, लूटिंग की बात यहाँ पे चली नहीं रही पहली बात तो, ठीक है ना। सो यार बहुत ही अलग है सिस्टम ये सब। सो इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, वही मैंने कहा कुछ चीज़ एक्सक्लूसिव हैं, कुछ चीज़ एक्सक्लूसिव रहने वाली हैं, कुछ कभी हो भी सकता है ना भी हो, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो का ओए दो मिनट हाँ सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया।
So yeah, I hope you guys like this video. यार बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो. एंड यार फ्यूचर में ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़. एंड ऑल्सो यार वो बेल दबा दिया करो एंड उसको ऑल पे कर दिया करो, वरना यूट्यूब साला नोटिफिकेशन नहीं भेजता. सो यार, सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. बस गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए सी यप, गुड बाय.